हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं गार्लिक ब्रेड टोस्ट बनाने जा रही हूँ। इसे हम मोजेरेला चीज के साथ बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड बटर बनाने के लिए हम सबसे पहले बटर लेंगे। तो यहाँ पे हम 100 ग्राम मेल्टेड बटर लिए हैं, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे बटर है। इसे हम स्पून से ऐसे मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ गार्लिक। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं या ये दरदरा कूट लीजिए। हम बटर के साथ गार्लिक को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में हमें 1 से 1.5 मिनट लग सकता है। हमने गार्लिक को बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ध्यान रहे, ये हमारा सॉल्टेड बटर है। अनसॉल्टेड बटर हो तो आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। चिल्ली फ्लेक्स को भी हम अच्छे से बटर में मिक्स कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता, तो ये भी हम 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं। इसे भी हम बटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब टोस्ट पे हम लगाएंगे तो अपना टोस्ट बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो जैसा आपने देख लिया, हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम इसे ब्रेड पे स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 ब्रेड स्लाइस ले लिया है। ब्रेड के ऊपर हम चम्मच से ऐसे बटर को डालेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे मेल्टेड बटर ही होना जरूरी है, तो हम ज़्यादा भी बटर नहीं डालेंगे। इक्वल क्वांटिटी में हम चारों तरफ ब्रेड पे बटर फैलाएंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया, हमने दोनों ब्रेड पे अच्छे से बटर स्प्रेड कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक पैन गरम कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को जिधर हमने बटर लगाया है उस साइड से इसमें शिफ्ट कर देंगे। ध्यान रहे, अपना पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म होने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसे ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसमें ब्रेड डालेंगे। इसे हमें 1 मिनट तक सिकने देना है अच्छे से एक साइड से। जब तक अपना ब्रेड सिक रहा है, तब तक हम इसके दूसरे साइड में भी चम्मच से बटर लगा लेंगे। तो ऐसे हम फैलाते हुए बटर लगाएंगे। एक साइड से अपनी ब्रेड जो है सिक चुकी है, तो हम एक पॉइंटेड स्पैटुला से इसको ऐसे फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है अपना गार्लिक ब्रेड टोस्ट का। ऐसे ही हम दूसरे ब्रेड को भी ऐसे अब हमने ब्रेड टर्न कर लिया। जिस साइड में हम ब्रेड सेक लिए हैं उसके ऊपर हम डालेंगे मोजरेला चीज। तो चीज को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम इस चीज को इसके ऊपर अच्छे से ऐसे फैला देंगे। तो हम ऐसे मोजरेला चीज को अच्छे से फैला देंगे। अब हम तब तक सेकेंगे जब तक की चीज अपनी मेल्ट ना हो जाए ब्रेड पर अच्छे से। तो हमें इसे 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेकना है। आपकी पैन जलने लगे तो कभी ऑफ कीजिए, कभी ऑन कीजिए, पर अच्छे से मेल्ट होने तक हमें चीज को सेकना है। तो चलिए हम इसे कवर करके सेक लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है, चलिए हम अपने ब्रेड चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अपने जो चीज है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इससे ये थोड़ा सा स्पाइसी भी लगेगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। अब चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो हम स्पैचुला की मदद से इसे आराम आराम से प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ध्यान से कितनी बढ़िया अपनी
गार्लिक ब्रेड टोस्ट तैयार हुई है। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया गार्लिक टोस्ट बनाना कितना आसान है और ये खाने में तो बहुत ही लजीज लगता है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।